हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे, जैसे देखिए कि ये जो टाइल लग रहा है दीवार में, आप कहीं पे भी टाइल लगाते हैं, चाहे ये फ्रंट का हो, कमरे का हो, बाथरूम का हो या टॉयलेट का हो, मतलब कहीं का भी हो, लेकिन मैं आपको टाइल लगाने का तरकीब बताऊंगा जिसमें कि आपके घर में ऐसा शिकायत आ जाता है कि टाइल भी लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब 2 महीना 4 महीना 6 महीना का उतर गया। तो उससे बचाव के लिए मैं आपको एक सावधानियां बताना चाहता हूं कि आपको टाइल किस तरह से लगवाना है जिसमें कि आपका जो टाइल है वो कभी नहीं उतर के गिरेगा। देखिए, अब मैं आपको तरकीब बताता हूं कि टाइल नहीं बिल्कुल गिरेगा। यह देखिए, जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस तो यह है कि आपको जैसे जब पलस्तर करते हैं तो इस तरह से उस पर लकीर होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यह देखिए इस तरह से लकीर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, जब हम सीमेंट लगाते हैं तो इसकी जो दर्द होती है इसमें पकड़ लेती है, जब पकड़ लेती है तो वो छूटने का मतलब ही नहीं होता। दूसरा प्रोसेस ये, जैसे आप जब पलस्तर करते हैं तो नए में ही, मतलब इस दीवार को सूखने से पहले ही आपको टाइल लगवा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको टाइल नहीं लग पाया और दीवार सूख गई तो इस पे आप पानी मार करके फिर दोबारा इस पे आपको गीला करना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब जब तक आप गीला नहीं करेंगे तो टाइल लगाने के बाद कुछ दिनों बाद छूट जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ये पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया प्लास्टर ही है और अभी ये सूखा नहीं है। इसी प्रोसेस पर मैं इस पर टाइल लगाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइल कैसे लगाना है जिसमें आपको देखिए नहीं छूटेगा। ये देखिए, जैसे टाइल है तो अब ये टाइल है और ये देखिए सीमेंट का घोल है, ये सिर्फ सीमेंट के घोल से ही लगता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। ये देखिए, अब मैं इसको लगाने की तरकीब बताऊंगा। ये देखिए, जैसे वो क्या करते हैं, वो छूट क्यों जाता है टाइल, जो प्रोडक्शन पे टाइल लगाते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से देखिए, इस तरह से टाइल लगाए, या देखिए इस तरह से हल्का हल्का सीमेंट दिए और उसके बाद वो क्या करते हैं, इस तरह से दीवार पर चिपका देते हैं। या देखिए, सीमेंट पूरे में नहीं लगाए, इसमें इस तरह से दे करके और आपको इस तरह से लगा देंगे और फिर इसे हल्का हाथ से ये रख करके और आपको इस तरह से मिला देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, टाइल सही लगा हुआ है, लेकिन इसमें हुआ क्या, अंदर से जो सीमेंट है वो सारे दीवार पे टच नहीं कर पाया है। जैसा कि मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, वैसे तो आपको देखने में प्लेन लगेगा। ये देखिए, यहाँ से प्लेन हो गया, यहाँ से प्लेन हो गया, यहाँ से प्लेन हो गया। आप बाहर से जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारा टाइल सही लगा हुआ है, लेकिन नहीं, ये टाइल सही नहीं लगा हुआ है। इसको मैं आपको उखाड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जब मैं इसको निकालूंगा, ये देखिए अब इसमें देखिए सीमेंट जो दीवार के साथ है वो कहाँ कहाँ टच कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ कर रहा था, थोड़ा यहाँ कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ कर रहा था, बाकी ये जो दीवार है और दीवार का और सीमेंट दोनों का टचिंग नहीं थी बिल्कुल। तो जब टचिंग नहीं होगा तो मजबूत कैसे होगा, तो इसीलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ कि आपको टाइल कैसे लगवाना है जो कि आपको लाइफ टाइम तक कभी भी आपका घर में जो आप टाइल लगवाते हैं वो कभी भी नहीं गिर सकता है। अब देखिए, मैं इसको सीमेंट कैसे लगाना आपको, ये देखिए, जैसे ये सीमेंट पूरी अच्छी तरह से आपको पूरे किनारे तक देना है, ये देखिए इस तरह से मतलब सीमेंट जो है वो टाइल के पूरे हिस्से में लगा देना है आपको। ये देखिए अब ये जो सीमेंट हमने लगाया ये पूरे हिस्से में लगा दिया। अब इसको करना क्या है, जैसे ये सीमेंट इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा नीचा कर देना है ताकि जब हम इस पर ठोकेंगे तो ये अपनी जगह पे चल जाएगा और पूरे दीवार पे टच होगा। ये देखिए, ये ऊंचा नीचा हो गया। अब हम इस पर देखिए, आपको लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल टाइल लगा के। ये देखिए, अब ये हो गया इस तरह से। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ से 1.5 फुट लगभग बाहर है। यह देखिए, 1.5 फुट बाहर है। अब जब 1.5 फुट बाहर है तो और ये टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें सीमेंट पूरा भरा हुआ है, अंदर नहीं जा रहा है। देखिए, यह देखिए, लेकिन अभी भी ये टच बाहर है। ये देखिए, अब जब मैं इसको जोर से ठोकूंगा तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाने का मतलब है कि पूरे दीवार पे सीमेंट फैल जाएगा। ये देखिए अब ये बराबर हो गया। ये देखिए, ये ठोकने के बाद बराबर हुआ, इसका मतलब ये है कि अब अंदर से जो है पूरे सीमेंट सारे दीवारों पर फैल गया। यह देखिए, अब ये जो टाइल है ये कभी भी आपका नहीं उतरेगा। इसके बाद भी आपको क्या करना है, ये देखिए, इधर से आपको देखिए थोड़ा हल्का सा खाली दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऊपर से भी और नीचे से भी, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सीमेंट भर के चलना है। ये देखिए, इस तरह से आपको सीमेंट भर देना है। अगर हर टाइल पे आप इस तरह से सीमेंट भर के चलते हैं तो मेरी गारंटी है कि लाइफ टाइम तक कभी भी आपका टाइल बिल्कुल नहीं गिर सकता है। ये देखिए, इस तरह से लगाने के बाद फिर आप इसको सफाई कर देना है। ये देखिए, ताकि इसके ऊपर फिर दूसरा टाइल लग सके। ये देखिए,
या इस तरह से जब टाइल आप लगवाएंगे तो बिल्कुल कहीं से भी ये टाइल खाली नहीं रहेगा, यह देखिए। और जब खाली नहीं होगा तो 100% है कि ना तो वो टाइल टूटेगी और ना ही वो गिरेगी। अच्छा, यदि आपको जैसे आपके घर में टाइल लग रहा है लेकिन आप नहीं हैं तो आप बाद में भी पता लगा सकते हैं कि आपके टाइल सही लगा है या नहीं लगा है। तो जब इस तरह का भाई माहौल होगा तो मैं उसके भी बारे में आपको बतला रहा हूँ कि कैसे होता है, यह देखिए उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। यह देखिए, अगर सीमेंट कम लगा है इसमें, कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है, यह देखिए मैं दोनों तरकीब आपको बता देता हूँ कि वो बाद में कैसे आप पता करेंगे कि हमारा टाइल सही नहीं लगा है, गलत लगा हुआ है। यह देखिए, अब इसमें क्या है, सीमेंट कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया है, तो ये बाद में भी टाइल लगने के बाद भी आपको पता चल जाएगा। यह देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मैं ये टाइल रहने नहीं दूंगा, मैं निकाल लूंगा, लेकिन देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। यह देखिए, अब मैं इसकी आवाज आपको दिखाता हूँ, यह देखिए दोनों का आवाज, यह देखिए ये खाली है, ये खाली का आवाज डब 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 कर रहा है, लेकिन ये भरा हुआ है, देखिए ये क्या है, ये भरा हुआ है, देखिए इसकी आवाज जो है वो भद्दा होगा और ये इसकी आवाज जो ढोलक की तरह होगी, है देखिए। तो ये जो ढोलक की तरह बज रहा है इसका मतलब ये अंदर से खाली है, और अंदर से खाली है तो 100% है ये टाइल उतर जाएगा। ये देखिए ये खाली था, ये देखिए, तो ये जहाँ खाली है वहां जैसे ही आप इस तरह से हाथ से आवाज लगाएंगे मारेंगे इससे, तो देखिए बजेगा ढोलक की तरह, क्योंकि अंदर खाली है, और जब अंदर खाली है तो 100% है कि यहाँ से आपको उखड़ने का डर ही नहीं, बल्कि ये टूट भी सकता है। जैसे कि घर में कुछ भी काम हो रहा हो या ऐसे कुछ, वो अगर इस पर कोई हल्का सा वजन इस पर टच हो गया, दबाव पड़ गया, तो ये टायर यहीं से टूट जाएगा। तो इसमें आपका दो नुकसान है, एक तो टायर टूटने का पूरा डर है और फिर इसको गिरने का डर है। तो दोस्तों ये आज हम आपको टाइल लगाने की विधि बता रहे थे, और टाइल अपने घर में लगवाएं, क्योंकि इस टाइम महंगाई के युग में टाइल लगाना बहुत टफ काम है, बहुत पैसा लगता है, फिर आप जब टाइल गिरता है तो आपको बहुत अफसोस आता है कि हमने इतना पैसा खर्च किया और टाइल मेरा फिर से गिर गया। तो दोस्तों आप अपने घर में जब भी टाइल लगवाएं तो सावधानी से लगवाएं, अच्छे मिस्त्री से लगवाएं और अपने उस पर निगरानी रखें। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे बातों पर ध्यान दे करके और अपने मकान का काम करवाइए। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।